नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति प्रकाश धादिज और आप देख रहे हैं दी ऑफिसर्स। दोस्तों, लखीमपुर पहुंची लखनऊ मंडल की कमिश्नर आईएएस रोशन जेकब अचानक एक बच्चे की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। 14 वर्षीय घायल कफील की मां आसमा ने 3 दिनों से जिला अस्पताल में सही से इलाज न होने की जानकारी कमिश्नर रोशन जेकब को दी और खुद भी रोने लगी। इसे देख लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जेकब भी अपने आंसू रोक नहीं पाई और वो भी रोने लगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जिले में थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के वाजपेयी गांव में घर के बाहर खेल रहे बच्चों के ऊपर मिट्टी की दीवार गिर गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जेकब लखीमपुर खीरी जिले में बस और ट्रक के बीच हुए हादसे में घायलों का हालचाल लेने MCH अस्पताल पहुंची थी। इसी दौरान मौजूद दीवार गिरने से घायल हुए बच्चे कफील के परिजन भी कमिश्नर रोशन जेकब के पास पहुंच गए और बच्चे का अस्पताल में सही से इलाज न होने की शिकायत करने लगे। इस पर लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जेकब परिजन के साथ घायल 14 वर्षीय कफील का हालचाल लेने उनके बेड पर पहुंच गई। वहां पर मौजूद 14 वर्षीय घायल कफील की मां आसमा ने 3 दिनों से जिला अस्पताल में सही से इलाज न होने की जानकारी कमिश्नर रोशन जेकब को दी और रोने लगी। इसे देख लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जेकब भी अपने आंसू रोक नहीं पाई और वो भी रोने लगी। लखनऊ मंडल के कमिश्नर रोशन जेकब ने भावुकता से बच्चे की पीठ पर हाथ रखकर उससे कहा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और हम तुम्हें ठीक करा देंगे। वो अधिकारियों से यह भी पूछती है कि क्या मरीज को रेफर करने के बजाय वहां डॉक्टर को बुलाया जा सकता है, क्योंकि परिवार खर्च वहन नहीं कर सकता। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उन्हें एक सच्ची अधिकारी बताया। एक यूजर ने लिखा, हमें जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए ऐसे और अधिक संवेदनशील प्रशासकों और अधिकारियों की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि आईएएस अफसर रोशन जेकब केरल की हैं। 2004 बैच के यूपी केडर के आईएएस अधिकारी 43 वर्षीय रोशन जेकब ने 17 अप्रैल से 2 जून के बीच लखनऊ में फैले कोरोना वायरस को संभालने के लिए एक विशेष असाइनमेंट पर भेजा गया था। जेकब रोशन की पहली प्रशासनिक भूमिका झांसी में एक प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी की थी। अपने 17 साल के लंबे कैरियर में आईएएस अफसर रोशन जेकब बुलंदशहर, बस्ती, गोंडा, कानपुर और रायबरेली के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर चुकी हैं। रोशन जेकब यूपी के विशेष सचिव और भू विज्ञान और खनन की निदेशक बनने वाली राज्य की पहली महिला है। 3 साल पहले रोशन जेकब उत्तर प्रदेश के खनन विभाग की पहली महिला निदेशक बनी थी। यह पहली बार नहीं है जब रोशन जेकब चर्चा में है। रोशन जेकब 16 सितंबर को लखनऊ में भारी बारिश के बाद पानी भरी सड़कों पर भी उतर गई थी। उन्होंने सुबह 3 बजे ही सड़क पर उतर कर स्थिति का जायजा लिया था। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दी ऑफिसर्स के साथ। शुक्रिया।